2020 अभी तक काफ़ी बुरा साल रहा है और इस साल हमने बड़े बड़े एक्टर ऋषि कपूर सर, इरफान खान सर और हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत और न जाने कितने स्टार्स को हमने खो दिया। सुशांत सिंह हमेशा से एनर्जेटिक और टैलेंटेड एक्टर रहे हैं। 34 साल के सुशांत के डेट ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री और नेपोटिज्म जैसे कई चीज़ों को हिलाकर रख दिया। आज हम आपको सुशांत के बारे में डिटेल में बताते हैं। सुशांत का जन्म 21 जनवरी 1986 में पटना में हुआ था। सुशांत के फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई रह चुके हैं और उनकी मोम हाउसवाइफ थी। सुशांत ने महज 16 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था। सुशांत की मां चाहती थी सुशांत एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बने। सुशांत ने DC लेवल की एग्जाम्स को क्लियर किया और डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लिया 2003 में। सुशांत को बचपन से ही मूवी का काफ़ी शौक रहा है और अपने कॉलेज टाइम में वो मोस्टली टाइम मूवीज और थिएटर में स्पेंड करते थे। सुशांत के एक्टिंग स्ट्रगल के चलते 2009 में उन्हें अपना पहला डेब्यू शो पवित्र रिश्ता नाम से मिला और ये सीरियल काफ़ी सक्सेस रहा और इनके साथ इनके को स्टार अंकिता लोखंडे के साथ इनका रिलेशनशिप काफ़ी चर्चित रहा। सुशांत ने पवित्र रिश्ता नाम के सीरियल को छोड़ बॉलीवुड में अपना लक अजमाना चाहा, लेकिन उनके साथ कोई भी एक्टर एक्ट्रेस काम नहीं करना चाहते थे और साथ में नेपोटिज्म के चलते उन्हें कोई भी ऑफर नहीं मिलते थे। फाइनली परिणीति चोपड़ा ने इनका हाथ थामा और उनके साथ पहली मूवी सुख देसी रोमांस 2013 में रिलीज हुई। हालांकि इनकी मूवी को इतनी सक्सेस नहीं मिली, फिर भी एक्टिंग के चलते सुशांत को अच्छे ऑफर्स मिलने लगे और इनकी लाइफ तब चेंज हुई जब 2016 में MS धोनी मूवी आई। इस मूवी ने काफ़ी रिकॉर्ड तोड़े और अच्छी सफलता मिली और इसके बाद सुशांत को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। इन्हें काफ़ी काम मिलने लगा। इसके बाद सुशांत ने केदारनाथ और छिछोरी जैसे हिट फिल्म देखकर बॉलीवुड में अपना नाम कमाया। कहा जाता है छिछोरी के बाद सुशांत को काफ़ी मूवीज मिली, लेकिन नेपोटिज्म के चलते उनके हाथ से काम जाने लगा, जिसके चलते वो काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे और डिप्रेशन के शिकार भी हो गए। सुशांत काफ़ी टेंस हो चुके थे। काफ़ी टेंस होने के बाद उन्हें सुसाइड कर दिया और सुसाइड केस में कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती का भी नाम इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। रिया चक्रवर्ती पर कई FIR दर्ज है और अभी उनके ऊपर CBI की इंक्वायरी भी चल रही है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।